very often we come across these situations which we are in right now, a pandemic. I'm sure that you are taking good care of yourself, and not just yourself, but also your families, and you are motivated enough for your goals. Today, I have received two letters from two Indian students who went last year to study in France. Well, not technically these are letters, but I would say this is a bit of a spoof, just to make sure there are two kinds of students who go abroad, and similarly, there are two kinds of situations for Indian students as well. So those situations here, मैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊंगा ताकि आप मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और उन्हें समझ में आ सके कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, किसी इंडिविजुअल के फेवर में नहीं है. ये सिर्फ दो सिचुएशंस हैं जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हैं, जो 5 साल से मैं इंडियन स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, इंडिया से फ्रांस जाते हुए, इंडिया से यूरोप जाते हुए या कहीं भी जाते हुए, उनकी सिचुएशंस में. तो पहला लेटर कुछ इस तरीके से है, एक इंडियन स्टूडेंट का, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, डिस्क्लेमर के साथ. पहला ये है कि नमस्ते मम्मी पापा, कैसे हैं आप लोग? आज आए हुए एक हफ्ता हो गया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे. आपके आशीर्वाद से मैं फ्रांस पहुँच चुका हूँ. मैं जल्द ही पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी लेके आप सबका और अपना सपना पूरा करना चाहूँगा. मुझे मालूम है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत से लोन लिया है और मुझे यहाँ पढ़ाने भेजा है. खैर ये सब तो ठीक है पापा, लेकिन इधर मज़ा बहुत आता है. ये कंट्री बहुत खूबसूरत है और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा घूम ही लेता हूँ. आ जाए हुए 3 महीने हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता. सब लोग इधर फ्रेंच में बात करते हैं, जर्मन भी आप मान सकते हैं अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो. मुझे मालूम है आप लोगों ने बोला था कि फ्रेंच सीख लो, मैंने सोचा यहाँ आके सीख लूंगा, कोशिश तो कर रहा हूँ. अच्छा अभी चलता हूँ, रात में बस है, स्पेन जाना है, न्यू ईयर है ना, दोस्तों के साथ बार्सिलोना और मेसी का मैच भी तो देखना है. आज 6 महीने हो चुके हैं पापा और मैं 12 देश घूम चुका हूँ. हमारे पूरे खानदान में इतने किसी नहीं घूमे होंगे. आपको बता दूँ कि सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता, बट यहाँ सुट्टा महंगा है, लेकिन मैंने रोलिंग पेपर खरीद लिया है और रोल करना भी. वाइन बहुत सस्ती है इधर, 1 यूरो से चालू होती है. आप पूछ रहे थे ना कि फ्रेंच नहीं आती तो शॉपिंग कैसे करता है, कोई बड़ी बात नहीं है पापा, एक गर्लफ्रेंड बना ली है जिसको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है तो वो सब करा देती है. मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता. सब कुछ अच्छा रहा तो यही आपकी बहू बनेगी. आज 12 महीने हो चुके हैं पापा, बहुत रद्दी कॉलेज है, कोई प्लेसमेंट नहीं होती इधर. हाँ रिप्रेजेंटेटिव ने जरूर बताया था कि उधर प्लेसमेंट नहीं होती, बट एजेंट ने बोला था कि जॉब लग जाती है सबकी. 5-6 इंटरव्यू दे चुका हूँ, सब कहते हैं फ्रेंच आनी चाहिए. अगर लगता है कि अब तो गलती कर दी, यूके या यूएस जाना चाहिए था. मैंने सोचा फ्रांस सस्ता है, इसलिए पापा आप सही कहते हैं, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. आप ही कहते थे सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. खैर पापा मैं तो किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा फ्रांस, हर जगह फ्रेंच चाहिए. ये लोग इंग्लिश नहीं बोलते, बोलते हैं तो इंडिया में भी सब लोग इंग्लिश नहीं, लेकिन मगर इनको तो आनी चाहिए, ये तो डेवलप्ड कंट्री है. इनका कल्चर भी बेकार है पापा, बहुत रूड है ये लोग, कंपनीज भी नहीं आती कॉलेज में, रैंकिंग्स तो फेक लगती हैं मुझे, पैसा देके रैंकिंग बढ़वा लेते होंगे ये लोग. खैर पिछले 10 दिनों में 15-20 लोगों ने मुझे फेसबुक पे कॉलेज के रिव्यू पूछे, तो मैंने सबको बोला फ्रांस तो बिल्कुल मत आना, यहाँ कुछ नहीं है. और आने के बाद अगर आना भी ज़रूरी है तो B2 करके आना, वरना मत. मैंने गूगल पे कॉलेज को 1 स्टार रिव्यू भी दे दिया है पापा. वैसे पापा ये आपसे एक छोटा सा काम था, लौटने की टिकट करवा देते तो. पापा विंडो सीट और स्टॉप ओवर देख लीजिएगा, म्यूनिक में उधर बियर्स भी अच्छी मिलती हैं और दोस्त भी हैं मेरे. ठीक है पापा, थैंक यू सो मच, बिजू बिजू अभियान. तो ये थी पहली चिट्ठी जो एक इंडियन स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स को इंडिया में भेजी है. मैंने पहले ही कहा था ये डिस्क्लेमर में कि ये किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, ये एक सिचुएशन के बारे में है जिसमें मैं आप कोई भी हो सकता है. और अब बात करते हैं दूसरी चिट्ठी की जो एक दूसरी सिचुएशन में एक दूसरे इंडियन स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स को लिखी. नमस्ते मम्मी पापा, कैसे हैं आप लोग? छोटी कैसी है? मैं और मेरे फ्रेंड फ्रांस पहुंच गए हैं, थैंक गॉड पापा, उसको B2 आती है तो काफ़ी मदद हो जाती है. A2 तो मैं भी सीख के आया हूँ, बट B2 की बात ही अलग है. थैंक्स टू यू, आप दोनों अगर मुझे मोटिवेट ना करते तो आज मैं यहाँ कहाँ होता. 1 महीना हो चुका है और मैंने यहाँ नए दोस्त बनाने शुरू कर दिए हैं. फैकल्टी अच्छी है इसलिए पढ़ने में भी मज़ा आता है. यहाँ बी फ्रेंच क्लासेस मैंने ज्वाइन कर ली हैं. पापा आप शायद नाराज़ हों पर मैं 2-3 कंट्री भी घूम के आ गया हूँ दोस्तों के साथ. बहुत कुछ नया सीखने को मिला. 3 महीने हो चुके हैं और स्कूल ने हमें नेटवर्किंग कराना, CV वगैरह बनाना सिखाना शुरू कर दिया है. मैं मेहनत कर रहा हूँ और 2-4 जगह अप्लाई भी कर दिया है, जबकि मेरा ये फर्स्ट सेमेस्टर है.
वैसे मुझे पता चला अपने सीनियर से कि फॉरेन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी यहाँ भी अप्लाई करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट दो जगह तो अप्लाई भी कर दिया है। रिप्रेजेंटेटिव ने पहले ही बता दिया था कि अगर फ्रेंच में हाथ तंग हो तो इंग्लिश जॉब्स ढेर सारी अप्लाई करना। आज 6 महीने हो चुके हैं, मैं 7-8 कंट्री भी घूम चुका हूँ, थोड़ी मस्ती भी कर रहा हूँ। वीकेंड पे हम लोग पार्टी भी करते हैं पापा। पापा मैंने ग्रेप्स वाइन भी ट्राई करी, आई नो इट्स नॉट रियली अल्कोहल बट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, आपके लिए लेके आऊंगा। पीना मत तो शर्मा अंकल को दे देना, वो खुश हो जाएंगे और हमारे घर के सामने कम से कम अपनी कार नहीं लगाया करेंगे। मैंने हर दिन 20-30 जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दिया है। पिछले महीने आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि मैंने 900 जॉब्स अप्लाई करी। रिप्रेजेंटेटिव ने सही कहा था कि डेली 1 घंटे का काम है बस, और वाकई पापा 900 जॉब्स 30 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे तो वैसे भी पापा सिर्फ एक इंग्लिश जॉब चाहिए जो इंग्लिश में। एक चीज मैंने इधर रियलाइज करी है कि अगर आपको फ्रेंच ना आती हो तो B2 कम से कम इंग्लिश परफेक्ट हो, और स्किल्स या तो एटलीस्ट A2 आपको आती ही हो। अगर आप इंग्लिश जॉब में भी अप्लाई कर रहे हैं और आपको A2 आती है तो काफी मदद हो जाती है। बहुत सारी कंपनीज ये कहती हैं कि कम से कम आपको फोन उठा के आंसर करना तो आना ही चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि फ्रेंच मस्ट है, कई फ्रेंच लोगों की भी जॉब अभी तक नहीं लगी है पापा। स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सही कहा था। आज 12 महीने हो चुके हैं और मैं अपनी इंटर्नशिप पेरिस में स्टार्ट कर रहा हूँ। मजा आ रहा है, नया सीखने को मिल रहा है, लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। उनकी इंग्लिश भी परफेक्ट नहीं है पापा, बट फिर भी वो कोशिश करते हैं। और मैंने Formula 1 देखा एक दिन, उसमें तो चार्ल्स लेक्लेयर भी इंग्लिश बोलता है, तो मुझे भी बिल्कुल सीख लेनी चाहिए, जबकि मेरा करियर तो सेल्स है, ड्राइविंग भी नहीं। जॉब का तो मैं अभी नहीं कह सकता पापा, बट अगर मेहनत करता रहा इसी तरीके से और थोड़ी बहुत कल्चर और फ्रेंच सीखता रहा इनका, तो शायद आसानी होगी। पापा पैंडमिक की वजह से सभी को थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ रही है, बट ये कंट्री ने किसी का वीजा कम नहीं किया, अनलाइक USA या UK। सबको स्टे बैक है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज हैं, वर्चुअल फेयर्स भी हो रहे हैं। बट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ क्या करता हूँ। सोच रहा हूँ इंटर्नशिप के बाद कुछ दिन दिवाली पे घर जरूर आऊँगा। आपका बेटा, थैंक यू सो मच। सो ये थी 2 चिट्ठियाँ। अब मुझे बार बार आपको डिस्क्लेमर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि अगले साल या उसके अगले साल या कभी भी जिंदगी में अगर आपको कोई भी चिट्ठी अपने पेरेंट्स को लिखनी है या मैसेज भेजना है या बात करनी है, तो क्या वो Scenario 1 होगा या Scenario 2 होगा। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाहर जाएं तो मस्ती ना करें, दोस्तों से ना मिलें, घूमने ना जाएं, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स ना बनाएं, फन ना करें। आप बिल्कुल करें, क्योंकि वो आपकी स्किल्स को डेवलप करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप फॉरेन गए हैं और ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो फॉरेन जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, आप हिंदुस्तान में भी पढ़ सकते थे। बट स्टडी अब्रॉड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जानते हैं आप क्या है? स्टडी। ये मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाए तो उसे दिक्कत आए। आप दुनिया के बेहतरीन कॉलेज में जाएं या एवरेज स्कूल में जाएं, आप कोशिश करते रहें। अगर आप जर्मनी जा रहे हैं, जर्मन सीख के जाएं, अगर आप इटली जा रहे हैं, इटालियन सीख के जाएं, अगर आप US जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपकी इंग्लिश तो इम्पेकेबल होनी ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कहते हैं IELTS नहीं चाहिए, और मैं खुश हो जाऊंगा कि IELTS नहीं चाहिए इसलिए मैं अप्लाई कर देता हूं। बट ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को IELTS लेना चाहिए, मुझे अपनी इंग्लिश जज करनी चाहिए, मुझे अपनी स्किल्स पता होनी चाहिए और मुझे मेहनत करनी चाहिए। कॉलेजेस सिर्फ एक प्लेसमेंट एजेंसीज नहीं है, ये IIM इंदौर के डायरेक्टर Himanshu Rai ने कहा। इसका मतलब यह है कि कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कॉलेज आपको वहां लेके नहीं जाएगा, वहां से आपको खुद पहुंचना है। कॉलेज आपको वो हर स्किल और टूल प्रोवाइड करेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, टैग करें, और प्लीज़ इस वीडियो को किसी भी तरीके से डिमीनिंग वे में ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उस हर बंदे की सिचुएशन से रिलेटेड है जो हिंदुस्तान से बाहर जाता है। ये मेरी सिचुएशन से भी रिलेटेड है। आज से 5 साल पहले जब मैं बाहर था, मुझे भी फ्रेंच नहीं आती थी जब मैं गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इन चिट्ठियों में आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि किस तरीके से आप अपना प्रोफाइल बदल सकते हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।